हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आर्यन ग्लोरी में। और आज की स्टूडियो में हम आप लोगों को बताएंगे मल्टीप्लिकेशन करने का ऐसा ट्रिक जिसके थ्रू आप कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन चुटकियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको 85 मल्टीप्लाई 90 करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 76 और 50। अब आपको करना है 103 मल्टीप्लाई 107, तब आपका आंसर आ जाएगा 110 और 21। अब आपको करना है कि 105 मल्टीप्लाई 106, तब इसका आ जाएगा 111 और 30। तो दोस्तों, अब हमने इतना तेज मल्टीप्लाई कैसे किया? तो दोस्तों, आइए हम आप लोगों को बताते हैं मल्टीप्लाई करने का ट्रिक जिससे आप लोगों को चुटकियों में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरा एक न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि कैसे ट्रिक के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कम समय में और इजी वे में। तो दोस्तों, मान लीजिए है कि 103 मल्टीप्लाई 107। तो दोस्तों, अब ये जो 103 है ये 100 से कितना ज़्यादा है? प्लस 3। और 107 100 से कितना ज़्यादा है? प्लस 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 7। तो दोस्तों, अब आप क्या करिए, या फिर 103 प्लस 7 करिए या फिर 107 प्लस 3 करिए, जो आपका आएगा ऐड करने पे वो आपका आंसर सेम ही होगा, क्योंकि जब हम 103 प्लस 7 करेंगे तब आ जाएगा 110, और अगर 107 प्लस 3 करेंगे तो भी 110 ही आएगा। तो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर 100 से ज़्यादा हैं। तो 7 3 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21। अब जब हम 103 प्लस 7 करेंगे तब कितना आएगा? 110। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 110। अब यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं, 103 मल्टीप्लाई 107। तो दोस्तों, अब ये 100 से कितना ज़्यादा है? प्लस 3। और ये कितना ज़्यादा है? प्लस 7। तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21। इन दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21। अब दोस्तों, हम 103 में 7 प्लस करेंगे तब कितना आएगा? 110। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 110। तो यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों, आप इस तरह से करिए या फिर इस तरह से करिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए है 105 मल्टीप्लाई 103। तो आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। अब जब हम 105 में 3 प्लस करेंगे तब कितना आएगा? 108। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 108। यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों, इस ट्रिक में हम आपको 3 टाइप्स बताएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो नंबर्स 100 से ज़्यादा होते हैं उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए है 135 मल्टीप्लाई 103। तो दोस्तों, अब देखिए ये जो 135 है ये 100 से कितना ज़्यादा है? 35 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 35। अब ये जो 103 है ये 100 से कितना ज़्यादा है? 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 3। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 3 कितना होता है? 105 होता है।
तो दोस्तों जो भी इसमें जो हमारा डिजिट आता है वो हमेशा हम 2 डिजिट उसको लिखते हैं। अगर वो 3 डिजिट हो जाता है तो ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर होता है ये कैरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम कितना डिजिट लिखेंगे, सिर्फ 2 डिजिट ही लिखेंगे, मीन्स हम 0 और 5 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और 5 और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। अब हम क्या करेंगे कि जब 135 में 3 प्लस करेंगे तब कितना आएगा, 138, और जो 1 कैरी है वो कितना हो जाएगा, 139। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 139, यही होगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए है 109 × 102, तो 9 × 2 = 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18। अब 109 में 2 प्लस करेंगे तब कितना आएगा, 111, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 111, यही होगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए है 107 × 108, अब 7 × 8 = 56, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56। अब 107 में 8 प्लस करेंगे तब कितना आएगा, 115, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 115, यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों अब ये हमारा फर्स्ट टाइप फिनिश हो गया। हमें आइए देखते हैं अपना सेकंड टाइप। तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइप था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नंबर 100 से ज़्यादा होते हैं इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो सेकंड टाइप है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो नंबर 100 से कम रहते हैं इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए है 98 × 95, तो दोस्तों अब ये जो 98 है ये 100 से कितना कम है, -2, और ये 95 100 से कितना कम है, -5। तो दोस्तों अब आप या फिर 98 में से 5 माइनस करिए या 95 में से 2 माइनस करिए। दोस्तों माइनस करने पर जितना आएगा आपका आंसर सेम ही होगा। जैसे कि देखिए जब 98 में से हम 5 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 93, और अगर 95 में से हम 2 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 93 ही आएगा। तो दोस्तों मल्टीप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। अब जब हम 95 में से 2 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 93, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 93, यही होगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। तो दोस्तों ये जो है इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए है 85 × 93, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये 85 है ये 100 से कितना कम है, 15, और ये जो 93 है ये कितना कम है, 7। तो अगर हम 15 × 7 करेंगे तब कितना आएगा, 105। तो दोस्तों अब ये जो 105 है ये 3 डिजिट में है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आंसर 100 मतलब 3 डिजिट में आ जाता है तो उसको हम 2 डिजिट ही लिखते हैं, और ये जो 1 डिजिट होता है ये हो जाता है हमारा कैरी। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 0 और 5 ही लिखेंगे, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम 85 में से 7 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 78, और 1 कैरी कितना हो जाएगा, 79। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 79, यही होगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए है 70 × 88, दोस्तों अब ये जो 70 है ये 100 से कितना कम है, 30 − 30, अब ये जो 88 है ये 100 से कितना कम है, 12 कम है, −12। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों टेबल पढ़ना बहुत ही इजी है। कैसे,
12 थ्री जा 36, अब इसके आगे हम 1 0 बढ़ा देंगे तब कितना हो जाएगा 360। तो दोस्तों 360 को हम सिर्फ 60 ही लिखेंगे, 2 डिजिट ही लिखेंगे और ये 3 हो जाएगा हमारा कैरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60। अब जब हम 70 में से 12 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 58 और ये जो 3 कैरी है ये कितना हो जाएगा 61। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 61, यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों अब ये हमारा सेकंड टाइप भी फिनिश हो गया। तो सबसे पहले आपका करिए कि इस तरह से मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप इस तरह से मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस करिएगा। आइए देखते हैं अपना थर्ड टाइप। तो दोस्तों आइए इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए है 105 मल्टीप्लाई 95। तो दोस्तों अब ये जो 105 है ये 100 से कितना ज़्यादा है प्लस 5 और ये जो 95 है ये 100 से कितना कम है माइनस 5। तो दोस्तों अब आप 105 में से 5 माइनस करिए या फिर 95 में 5 प्लस करिए, आपका आंसर वही आएगा। तो दोस्तों जब हम 105 में से 5 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 100 और अगर 95 में 5 प्लस करेंगे तब कितना आएगा 100 आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दो नंबर्स हैं इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 जा 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25। दोस्तों ये प्लस है और माइनस है इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम माइनस का ही साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -25। दोस्तों जब हम 105 में से 5 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100। तो दोस्तों अब मान लीजिए कि ये जो 100 है तो 100 की 100 नोट्स हैं, तो अगर हम इसमें से 1 नोट निकाल लें तो कितनी नोट बचेगी 99 नोट बचेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 99। दोस्तों अब हमने जो एक 100 की नोट निकाली थी अगर हम उसी 100 में से ये 25 अगर इसको माइनस कर दें तब कितना आएगा 75 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75, यही होगा हमारा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए है 95 मल्टीप्लाई 120। तो दोस्तों अब ये जो 95 है ये 100 से कितना कम है माइनस 5 और ये जो 120 है ये 100 से कितना ज़्यादा है प्लस 20। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 जा 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 100। दोस्तों अब क्या करेंगे कि अगर 95 में हम 20 प्लस करेंगे तब कितना आएगा 115। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 115। दोस्तों अब ये 115 नोट्स 100 की हैं, तो दोस्तों अगर हम इसमें से 1 नोट निकाल लें तो कितना हो जाएगा 114। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 114। दोस्तों अभी जो हमारा 20 है इसको यहाँ पर हम बढ़ा देंगे। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए है 120 मल्टीप्लाई 91। दोस्तों अब ये जो 120 है ये 100 से कितना ज़्यादा है प्लस 20 और ये 91 100 से कितना कम है माइनस 9। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 180। दोस्तों अब क्या करेंगे कि जब 120 में से 9 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 111। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 111। तो दोस्तों अब हमारे पास 100 की कितनी नोट्स हैं 111 नोट्स हैं। तो दोस्तों अगर हम इसमें से 2 नोट्स निकाल लेंगे तो कितना आएगा। अब हम 2 नोट्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको 180 चाहिए। कितना चाहिए 180 चाहिए, इसलिए हम 2 नोट निकाल लेंगे। तब कितना बचेगा यहाँ पर आ जाएगा
109। अब हमने 100 की 2 नोट्स निकाली तो 200 रुपीस हो गया। तो अगर हम इस 200 में से 180 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 20 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे 20, यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरे एक न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।